नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे, AW24 न्यूज मध्य प्रदेश के नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहस निरंतर जारी है हमारे कार्यक्रम में, और आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता खरगोन विधायक रवि जोशी। रवि जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है, चुनावी बयार बहने लगी है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। खरगोन की 6 विधानसभा सीटें जो कांग्रेस के हिस्से में थी, किसी कारण से 1 सीट अभी कांग्रेस के पास नहीं रही, लेकिन विधानसभा में आज भी उनकी सदस्यता कांग्रेस विधायक के रूप में ही है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस किस हद तक तैयार है? पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में आपने देखा था जी, कांग्रेस की एकता, जनता के द्वारा कांग्रेस को मतदान देना, 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली, उसी बदौलत प्रदेश के अंदर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए आपसे बताना चाहता हूं कि 2023 का पुनः चुनाव आएगा और कांग्रेस पार्टी के 6 की 6 सीट फिर से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। रवि जी, खरगोन जिले में काफ़ी पहले से कांग्रेस में कुछ गुटबाजी सी रही जो समय समय पर देखने को भी मिली, इस बार क्या ये गुटबाजी खत्म होगी? क्योंकि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस एक होकर लड़ी थी उसके परिणाम सभी जनता ने भी देखे, जिले में भी देखे, और कांग्रेस ने उसको, जनता ने उसको स्वीकार किया। इस बार लेकिन फिर सुखबुगाहट है गुटबाजी को लेकर, तो कहाँ तक पार पा पाएगी कांग्रेस? 2018 में एकता के साथ हम लड़े थे, 6 की 6 सीट जीते। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि खरगोन जिले में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। यहाँ पे कांग्रेस है राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, कमलनाथ जी की। कांग्रेस उनकी कांग्रेस के झंडे तले काम चल रहा है और किसी तरीके की खरगोन जिले में कोई गुटबाजी नहीं, और उसी का परिणाम होगा कि 6 की 6 सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी। रवि जी, कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें कांग्रेस ने एक शानदार जीत दर्ज की, और कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो भाजपा का मायाजाल था ये कर्नाटक की जीत के साथ ही तोड़ने की शुरुआत की गई है। 5 वादे जो काफ़ी चर्चित रहे कर्नाटक में, और एक ज़बरदस्त जीत दिलाई कांग्रेस को। कमलनाथ जी भी वही वादे लेकर, मतलब 5 वादे लेकर मध्य प्रदेश में आए हैं, नारी सम्मान योजना, गैस की टंकी जो 500 रुपये में दी जाएगी, किसानों को लेकर भी क्या इसमें कोई वादे शामिल है? क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 3 का जिक्र किया है और काफ़ी कुछ बाकी है, तो ऐसा कांग्रेस इस चुनाव में क्या कुछ नया लेकर आ रही जो इस क्षेत्र के, इस राज्य के बेरोजगारों को, किसानों को लाभ मिल सके? निश्चित, आपने जो बोला कर्नाटक की जीत के बाद पूरे देश में परिवर्तन है। कर्नाटक की जीत जो हुई है राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरा चुनाव लड़ा गया था, और राहुल गांधी जी ने जो सोचा था वैसी जीत हुई। कर्नाटक के मतदाताओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को बधाई। वैसे ही मध्य प्रदेश में होगा, प्रदेश के अंदर 18 साल से अधिक मुख्यमंत्री काल हो गया शिवराज सिंह का। शिवराज सिंह को प्रदेश की जनता भलीभांति पहचान गई है, भारतीय जनता पार्टी को पहचान गई है। राहुल गांधी जी ने जो बोला पिछले दिनों दिल्ली में बैठक हुई कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें आएगी, निश्चित 150 सीटें आएगी, 150 से अधिक हो सकती है। एक दूसरा आपने बोला कि कर्नाटक में 5 वादे करे, कांग्रेस पार्टी वादे नहीं वचन दे रही है, गारंटी दे रही है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी 3 गारंटियाँ दी है, चुनाव दूर है, अभी नवंबर में चुनाव है। कमलनाथ जी समय समय पर घोषणा कर रहे हैं, पहली घोषणा लाडली बहना के उसमें नारी सम्मान कांग्रेस की योजना लाई है। बड़ी विसंगतियाँ हैं लाडली बहना में, लाडली बहना में 23 साल से 60 साल की उम्र का शिवराज सिंह ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है। कांग्रेस के नारी सम्मान में 18 साल से अनलिमिटेड
चाहे उसकी उम्र 118 साल क्यों नहीं हो, कितनी भी बुजुर्ग महिला हो, उसको 1500 रुपये उसके सम्मान निधि हम देंगे। ये लाडली बहना और नारी सम्मान में बहुत अंतर है। हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देंगे, अनवरत देते रहे। हाँ, इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि अगर 18 वर्ष की वो बच्ची जो अपने भावी भविष्य और अपने रोजगार के लिए कोई भी प्रयास कर रही है तो उसको वो पैसा मदद देगा, जबकि 23 साल की उम्र में देखा जाए तो एक छात्रा जो है उसका शैक्षणिक जीवन लगभग पूरा हो जाता है। बिल्कुल निश्चित ही हम जो 18 से 23 साल जो इन्होंने नहीं रखा है भाजपा ने, शिवराज जी ने, 18 से 23 हम 18 से 23 वाली कन्या को, महिला को भी इसलिए देंगे कि अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रही तो उसकी शिक्षा में उसको 1500 रुपये सहायक हो, पढ़ाई में सहायक होगा तो निश्चित ही रिजल्ट भी अच्छा आएगा और उसको एक संबल मिलेगा, ताकत मिलेगी, वो पढ़ाई में और ज़ोरदार पढ़ाई कर सकती है। इसके साथ ही 60 साल से अधिक की उम्र की महिला जिसको भाजपा शिवराज जी की सरकार नहीं दे रही है, लेकिन बीमार होने की उम्र आदमी हो कि महिला हो 60 के बाद होता है, तो उसको भी हम जो देंगे अनलिमिटेड उम्र, चाहे वो 118 वर्ष हो, बीमार हो, दुखी हो, काम करने वाली हो, नहीं काम करने वाली हो 60 से ऊपर, तो उसको भी इसलिए देंगे कि उसको भी अगर दवाई गोली लगती है, परिवार में खर्चा लगता है, तो उसको भी एक राहत मिले। इसलिए हम 18 से लेके 118 वर्ष तक अनलिमिटेड उसकी जो उम्र होगी 1500 रुपये का सहयोग करेंगे। एक हमारा ये, दूसरा हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में महिलाओं की, पुरुष हो, जिसके भी नाम का कनेक्शन है, आज 1150 से अधिक रुपये की गैस मिल रही है। आज गैस उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने गैस के सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन जिसको एक बार उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला दोबारा वो परिवार गैस की टंकी भरवा नहीं पाया है, लेकिन वो टंकी अब कांग्रेस की सरकार बनेगी जब भी भरेगी 500 रुपये में 5 वर्ष तक हम प्रति माह उसको सिलेंडर देंगे, चाहे उस परिवार को एक सिलेंडर लगे कि दो सिलेंडर लगे, 500 रुपये में सिलेंडर देने का वचन कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसको हम पूरा करेंगे। रवि जी, मैंने किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी आपकी बात करी, क्योंकि बहुत अच्छी जो किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है सम्मान निधि के नाम पे, कई कृषकों से हम बात करते हैं, वो जो बोलते हैं कि पर्याप्त नहीं है, कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, खेत में जो लेबर है उसकी जो चार्जेस बढ़ गए हैं पर डे, उसको लेकर के किसान अभी भी अपने आप को एक तरह से ठगासा महसूस कर रहा है। किसान बोल रहे हैं कि ये जो केंद्र और राज्य द्वारा दिया जा रहा है ये बहुत ही नॉमिनल है, ये किसान के साथ छलावा है। किसान को 2013 से दूसरा मेरा साथ ये प्रश्न भी जोड़ लें कि क्या कांग्रेस इसमें कोई इजाफा या कोई परिवर्तन करेगी? निश्चित, किसान को 2013 से मोदी जी और उनकी पार्टी ने सपना दिखाया कि हम किसान की आय दो गुना करेंगे। किसान के घर 2 लाख की फसल होती है तो उसको ये लगा कि अब 4 लाख रुपए की फसल, मेरी फसल वही होगी पैदा, लेकिन मेरी फसल का 2 गुना मूल्य मिलेगा, 4 लाख रुपया मिलेगा। चूँकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज दिनांक 10 साल हो गए, 9 साल से केंद्र में सरकार है, 18 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, किसान के साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है, 6000 रुपये साल, 2000 रुपये महीना, या जो भी कहो, केंद्र सरकार में कुछ राज्य सरकार मिलाती है और 12000 रुपये किसान को देती है। आप देखें जो DAP 450 रुपये की आज से 10 साल पहले थी वो आज 1500 रुपये की हो गई, किसान के साथ छलावा हुआ। किसान को जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राहत दे रही है वो तो सिर्फ DAP और यूरिया में ही बराबर हो गया, बीज अधिक हो गया है, बीज का भाव अधिक हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, सिंचाई के लिए बिजली महंगी हो गई, सिंचाई के लिए जो पानी है नहरों का वो महंगा हो गया है, किसान की फसल जो 10 साल में जो अंतर आना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, वो हुआ ही नहीं है, किसान के साथ धोखा ही हुआ है। कई किसानों के खिलाफ FIR भी हो गई, जिन किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 2000 रुपया डाला उसके खिलाफ FIR भी हो गई, पुलिस केस भी हो गए, उससे वसूली भी हुई और वो अपमानित महसूस हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2000 रुपये तक का NPA लोन जो था वो हम लोगों ने चुकता करा। पहले राउंड में 50000 रुपये तक के किसानों के कर्ज माफ़ हुए। खरगोन जिले में ही देखें
छः में से पाँच विधानसभाओं में द्वितीय चरण का कर्ज माफ 1 लाख तक का भी हुआ, लेकिन जो लोग खरगोन जिले के अंदर 2 लाख तक के किसान रह गए, विशेषकर खरगोन विधानसभा के 1 लाख और 2 लाख तक के जो किसान रह गए हैं, उन किसानों का सरकार बनते ही 2-2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कांग्रेस पार्टी के मुखिया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है और उस वचन को निभाएंगे और एक साथ हम 2-2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे और समय समय पे किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, किसान को समय पे खाद बीज मिले और समय पे बिजली मिले, ये वादा हमने वचन दिया है और इसको निभाएंगे और किसान को समृद्ध बनाएंगे। वर्षों से देश का किसान, निमाड़ क्षेत्र का किसान बिजली, पानी और खाद, इन तीनों की समस्याओं से जूझते आ रहा है। हालांकि कुछ वर्षों में ये समस्याएं कम भी हुई हैं, लेकिन आज भी किसान के सामने किसी तरह से ये चीज़ें सामान्य नहीं है। आज भी उनको इन समस्याओं को एक असामान्यता के रूप में ही लेना पड़ता है। वो हर साल, हर वर्ष, हर खेती पर खाद, पानी और बिजली के लिए लड़ता रहता है। ऐसी ही कुछ समस्या इस क्षेत्र के युवा बेरोजगारों की भी है। शिक्षा के लिए इंदौर जाओ, रोजगार के लिए बाहर के प्रदेशों में जाओ, इवन जो खेतिहर मजदूर हैं वो तक गुजरात पलायन करते हैं हर बार इस निमाड़ क्षेत्र के, इस खरगोन जिले के। खरगोन जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको श्रेय जाता है, सुविशी हॉस्पिटल के माध्यम से आपने वो चिकित्सा सेवाएं यहाँ उपलब्ध करवाई थी जो एक समय खरगोन जिले के लिए सपना था कि क्या ये स्वास्थ्य सेवाएँ हमको मिल सकेगी, उसके लिए आपको साधुवाद भी हम देते हैं। क्या बेरोजगारों के लिए भी कुछ ऐसी औद्योगिक इकाइयों को लेकर प्रयास होंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ इन चीज़ों को लेकर राजनीतिक विरोधाभास चलते रहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहा और बातें होती रही, तो क्या आने वाले 5 साल में इस तस्वीर को बदलने के लिए आप कोई प्रयास करेंगे? निश्चित। निमाड़ के नेता थे सुभाष यादव जी, उन्होंने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को भी आगे बढ़ाया, कई लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद सहकारी सूत मिल खरगोन के अंदर 1984 में स्थापित करी, उसे हजारों बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला। उनने एक शुगर मिल स्थापित करी, उसमें बेरोजगारों को रोजगार मिला। उसके बाद से निरंतर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने उद्योगों पर ध्यान दिया था, लेकिन प्रदेश में 19 साल से भाजपा का राज, 20वां साल चल रहा है, एक भी नया उद्योग खरगोन जिले में नहीं लगा। खरगोन जिले में नहीं लगा वहाँ तक ठीक है, लेकिन सनावत की एक अवंतिका सूत मिल थी वो बंद हो गई, हजारों लोगों को, हजारों हाथों को जो काम मिल रहा था वो बंद हो गया। भाजपा के नेताओं ने ओने पौने दाम में वो ज़मीनें खरीद ली, ज़मीनें अरबों रुपए की ज़मीनें हैं। मैं आरोप लगाता हूँ कि अरबों रुपये की ज़मीनों को वो कौड़ियों के भाव खरीदी, उन्होंने बहुत कम न्यूनतम मूल्य पर खरीद ली और आज वो अरबपति हो रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई प्रयास नहीं करा है। वो निश्चित ही हमारी जैसे ही 2023 में सरकार आएगी कांग्रेस की, हम बेरोजगार साथियों को रोजगार के अवसर देंगे। आपने साथ में बोला कि उच्च शिक्षा के लिए खरगोन से बच्चों को इंदौर जाना पड़ता है, रोजगार से संबंधित जिन कोर्सों को पढ़ने के लिए वो इंदौर जाते हैं। हमारा प्रयास होगा 2023 के बाद जैसे ही सरकार बनी कि खरगोन के अंदर उनको उन कोर्सों का घर बैठे वो कोर्स मिले और खरगोन डिग्री कॉलेज में उन कोर्सों को हम चालू कराएंगे ताकि बच्चों को रोजगार के अवसर भी मिले। साथ में आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, 2018 में जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, जिला चिकित्सालय का हमने उन्नयन के लिए पत्र लिखा और तत्काल 100 बिस्तर वहाँ बढ़े, जिला अस्पताल का उन्नयन हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि हुई और प्राइवेट सेक्टर में भी सुबीसी हॉस्पिटल के निर्माण के बाद, चालू होने के बाद, सेवाएं देने के बाद खरगोन में 10 बड़े अस्पताल आए। खरगोन की जनता को प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है और जिला चिकित्सालय का हमारा फिर प्रयास होगा कि 2023 में जैसे ही सरकार बनेगी हम 100 बिस्तर का और उसमें विस्तार कराएंगे और अच्छी अच्छी जाँचों के लिए भी अच्छे अच्छे डॉक्टर ला के, अच्छी मशीनरी ला के, खरगोन की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पूरा ध्यान दे के, ताकि आदमी को इंदौर या उच्च इलाज के लिए कहीं बाहर बड़े सेंटर पर न जाना पड़े। विधायक जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि वो सारी सुविधाएं यहाँ लाने का आप प्रयास करेंगे, जो यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, यहाँ के जो कृषक परिवार के बच्चे हैं, उनको स्थानीय स्तर पर वो शिक्षा और वो कोचिंग मिल सके। खरगोन जिले में काफ़ी समय से बात आ रही है सभी किसानों के मुद्दों को लेकर, किसान के सगे बनने के सभी प्रयास करते हैं, लेकिन खरगोन से
कांग्रेस से भी मिनिस्टर रहे, भाजपा से भी मंत्री बने, लेकिन कृषि महाविद्यालय की एक जो मांग थी वो आज भी अटकी हुई है। मेडिकल कॉलेज वो खरगोन और महेश्वर के बीच में झूल रहा है। भाजपा सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्ट इसके जवाब नहीं है कि वो आखिर कॉलेज बनाएंगे भी या नहीं, और बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। क्या समझते हैं आप, ये चीज़ें जो है क्या इस क्षेत्र के विकास में बाधा, सबसे बड़ी बाधा नहीं है? निश्चित कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं, चूँकि मेरी पार्टी है। और मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इन चीज़ों के लिए क्या प्रयास किए, 5 साल आप विधायक रहे, आपके क्या प्रयास रहे और कहाँ तक आप सफल मान रहे हैं अपने आप? मेरा 5 साल विधायक नहीं रहा, 5वां साल चल रहा है जी, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रयास था खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज हो, निश्चित ही कांग्रेस की सरकार थी, माहेश्वर के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया था, उसका आवंटन भी हो गया था, ज़मीन भी मिल गई थी। जैसे ही सरकार गिरी, भाजपा की सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज को निरस्त कर दिया कि खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते, जिसकी लड़ाई खरगोन के कई साथियों ने समय समय पर संघर्ष, तीसरी बार निरस्त हुआ था, इसके पहले भी 2 बार जो अन्य जगहों पे जा चुके हैं निरस्त होकर, खंडवा मेडिकल कॉलेज और ये खंडवा तो ऑलरेडी है, ये खरगोन को ही मिला था पहले, वो खंडवा वाला खंडवा को ही मिला था जी, खरगोन को नहीं मिला। खरगोन को पहली बार कांग्रेस की सरकार ने ही मेडिकल कॉलेज दिया था, जो जिले में महेश्वर जी, महेश्वर में चूंकि आवंटन भी हो गया था उसका, उसकी भूमि आवंटन हो गई थी और उसका बजट भी कांग्रेस सरकार ने तय करा। लेकिन कांग्रेस की सरकार जैसे ही गिरी, भाजपा के लोगों ने कि अगर ये काम हो जाएंगे तो भाजपा कभी आने वाले 25 साल तक इस प्रदेश में राज नहीं आएगी सत्ता में, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज को निरस्त करा। अब चूंकि उस समय महेश्वर में हुआ था, अब हमारा प्रयास होगा कि उस मेडिकल कॉलेज को हम खरगोन लाएँ। सरकार जैसे ही बनेगी उस मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ेंगे। संघर्ष समिति कुछ लोगों ने खरगोन में बनाई थी, संघर्ष किया भी, 4-6 महीने संघर्ष चलता रहा, उसके बाद वो संघर्ष समिति का संघर्ष मेरे को कहीं दिखा नहीं। भाजपा के लोग उस संघर्ष समिति में ज़्यादा थे, मैं कहता था तुम्हारी सरकार है, हमारे द्वारा खरगोन जिले को मेडिकल कॉलेज दे दिया महेश्वर में, तुम महेश्वर से उठा के खरगोन ले आओ ना, कौन रोकता है। लेकिन उस भाजपा के लोगों ने, उस संघर्ष समिति के लोगों ने और भाजपा की सरकार ने, भाजपा के अभी वर्तमान में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनसे मेरी चर्चा हुई थी, मैंने उनको कहा कि खरगोन का मेडिकल कॉलेज का सपना हम देख रहे हैं, क्या पूरा होगा इस 2023 में चुनाव के पूर्व? उन्होंने कहा नहीं, किसी हालत में मैं मेडिकल कॉलेज खरगोन को नहीं दे सकता, अभी मेरी स्थिति नहीं है। मैं आप लोगों से वचन देता हूं कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित ही हमारा सबसे पहला खरगोन के साथियों के साथ सबसे पहला प्रयास ये होगा खरगोन शहर को, खरगोन जिले को मेडिकल कॉलेज मिले, मेडिकल की सौगात मिले, हमारी स्वास्थ्य सुविधा में और विस्तार हो, बाहर के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आएंगे, डॉक्टर हमारे बच्चे बन के निकलेंगे, खरगोन में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं की मेडिकल कॉलेज के रूप में व्यवस्था मिलेगी। साथ में आपने कहा कृषि महाविद्यालय, मैं निश्चित ही कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, कृषि मंत्री हमारे भाई सचिन यादव जी थे, उनका प्रयास था 17 टी के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज लाने का, दुर्भाग्य से सरकार गिर गई, वो योजना भी रह गई। अब सरकार बनेगी तो निश्चित ही कृषि महाविद्यालय खरगोन जिले को मिलेगा, उसका कारण कि हमारे बच्चे जो हैं मध्य प्रदेश तो ठीक, यूपी के झांसी तक जा रहे हैं खरगोन जिले के बच्चे, हजारों रुपए का व्यर्थ खर्च उनका बढ़ रहा है, खरगोन को एक नई सौगात देंगे, किसानों के बेटों को पढ़ाई के लिए, किसानी पढ़ाई के लिए, एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए खरगोन जिले के अंदर हम उनको कृषि महाविद्यालय की सौगात 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद निश्चित देंगे। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने की जो बात कह रहे हैं विधायक जी, और उन्होंने ये वचन दिया है, ये आप लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए खुशी की बात है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस जो वचन दे रही है उसको पूरा भी कर रही है। विधायक जी ने कृषि महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के लिए जो वचन दिए हैं, निसंदेह वो इस क्षेत्र के प्रगति के लिए काफ़ी योगदान रहेगा अगर ऐसा हो जाता है। अब देखना है 2023 में ये चीज़ें कहां तक पूरी हो पाएंगी। फिलहाल में ये चर्चा जारी रहेगी, ब्रेक के बाद हम विधायक जी से पूछेंगे कि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने 5 वर्ष होने जा रहे हैं, कौन से 5 काम हैं जो उन्होंने किए और जिनसे वो प्रसन्न हैं, और भविष्य में ऐसे कौन से 5 काम हैं जो वो मानते हैं कि अधूरे रह गए हैं जिनको पूरा करना है। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए H24 न्यूज़ मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं खरगोन के विधायक रवि जोशी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के साथ साथ इस क्षेत्र के जन जन से जुड़े हैं और यही चीज़ें हैं जो उनकी शख्सियत को खास बनाती हैं। रवि जी, आप इस क्षेत्र में विधायक तो बाद में बने हैं, लेकिन एक छात्र नेता के रूप में, एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में, आप ब्राह्मण समाज से, आप अन्य समाजों से काफ़ी नज़दीकी से जुड़े रहे और आपने क्षेत्र की गली गलियों को मतलब परखा है, आप उन लोगों की दैनिक दिनचर्या से वाकिफ हैं। आज के समय में ऐसी कौन सी पांच चीज़ें थी आप क्षेत्र में विधायक बनने के बाद आपने जो की हैं, और 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, 5 साल हुए नहीं है, कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपने की और आपके मन में प्रसन्नता हुई, और ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप करना चाहते हो और जिनसे आपको फिर वही प्रसन्नता प्राप्त हो? मैं आप लोगों को बता दूं, जो वादे हमने करके, जो वचन दे के हम सरकार में आए थे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। हमने पहला प्रयास किया कि किसानों का कर्ज माफ़ हो। खरगोन विधानसभा क्षेत्र के 7,600 के लगभग किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। जो बचे थे किसान, सरकार गिर गई, उनका हम करेंगे। दूसरा, निमाड़ के किसानों को हमने वादा किया था, खरगोन विधानसभा क्षेत्र किसानों का, कि जैसे ही सरकार बनेगी, सिंचाई के लिए उनको नर्मदा जी का जल उपलब्ध कराएंगे, वो कराया हमने। तीसरा, वृद्ध पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इन पेंशनों का हमने वादा किया था कि हम ये पेंशन सबकी डबल करेंगे। 300 की हमने 600 करी। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई प्रयास किए। 15 उस वक्त शुरुआत जैसे ही सरकार बनी थी, उसके 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, उस 15 वर्षों में लॉ कॉलेज खरगोन का एक बरसों पुराना, बहुत पुराना, 50 साल से अधिक पुराना लॉ कॉलेज था, उसको इन्होंने बंद कर दिया था। हमने लॉ कॉलेज अलग से बिल्डिंग की स्वीकृति कराई, उस बिल्डिंग का निर्माण कराया, लॉ कॉलेज चालू कराया। यह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी संभावना प्रयास था, क्योंकि खरगोन के कई लोगों को उस लॉ कॉलेज के अभाव में इंदौर, भोपाल और जगह जगह जाना पड़ता था। अभी भी खरगोन के कई लड़के उस लॉ कॉलेज बंद होने की वजह से भोपाल के आखिरी वर्ष प्रवेश जब लिया, तो इस वर्ष आखिरी वर्ष परीक्षाएं दे रहे हैं। खरगोन के कई लोग जाते हैं, जो मेरे साथ ही रुकते हैं, इंदौर जाते हैं और अन्य जगह जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए हमने उस 5 बड़े प्रयासों में एक प्रयास किया कि खरगोन जिला चिकित्सालय को 100 बिस्तर का उन्नयन कराया, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, अन्य डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई, जिससे खरगोन में और डॉक्टर मिल सके। इस तरीके से हमने कई काम किए, 50 काम हैं गिनाने को। दूसरा, आपने पूछा कि अब 5 कौन से बड़े काम आप करेंगे, क्या वचन होंगे? वचन तो कांग्रेस पार्टी दे रही, मैं खुद दे रहा हूँ। कांग्रेस तो दे रही, लेकिन ये क्षेत्रीय जनता चाहती है अपने विधायक से वो वचन ले। मैं वचन देता हूँ कि खरगोन विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में, एक एक किसान के खेत तक नर्मदा जी का जल सिंचाई के लिए हम भेजेंगे, पहला वादा। दूसरा वचन मैं देता हूँ कि जो किसान कर्ज माफी में रह गए, उन लोगों को पूरा कर्जा माफ़ कराएंगे, 2 लाख तक का कर्ज माफ़ एक एक किसान का हम कराएंगे जो रह गए। तीसरा वादा, 500 रुपये में गैस की टंकी हम ऊपर से नीचे, कितना भी बड़ा परिवार हो उससे और छोटे से छोटे परिवार को देंगे। चौथा वादा, हम OPS, उन पुरानी पेंशन बहाली की सरकार बनी तो उन पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे, बेरोजगार साथियों को रोजगार के अवसर देंगे, और तमाम वो काम जो खरगोन में विकास में भागीदार बनेंगे, ऐसे 50 काम हम करेंगे, 50 नहीं 500 काम भी 5 साल में करने पड़े तो हम करेंगे, और खरगोन को चमन बनाएंगे, किसानों की आर्थिक समृद्धि आए, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले, बुजुर्गों को सहारा मिले, उनकी भी पेंशन बढ़ाएंगे, उनकी भी व्यवस्था करेंगे। रवि जी, क्षेत्र में आपके कार्यकाल के दौरान खेल गतिविधियों को एक पंख से लगे, आपने पहले भी इन गतिविधियों में रुचि ली और विधायक बनने के बाद उसमें काफ़ी प्रगति हुई,
लेकिन फिर भी खरगोन शहर के लोगों के पास अपना खुद का एक खेल मैदान नहीं है, यानी नगर पालिका का कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसको वो खेल मैदान के रूप में चिन्हित कर सके। खरगोन के युवा, खरगोन शहर के वरिष्ठ नागरिक आज सुबह से मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या वो खेलने के लिए जाना चाहते हैं तो उनको शहर की सड़कों पर जाना पड़ता है। बुज़ुर्ग लोग हैं, कई बार दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। तो आखिर कब तक खरगोन शहर की जनता को एक खेल मैदान मिल पाएगा खिलाड़ियों को? और ये खेल गतिविधियाँ जो आपके कार्यकाल में उभार पर आई, अभी राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश मानचित्र पर अपना नाम रोशन कर पाएंगे? क्योंकि बगैर मैदान के सब अधूरा है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अभी तक जो खरगोन को एकमात्र खेल मैदान हम कहें, खेल मैदान के रूप में स्टेडियम हमारे पास है, लेकिन खरगोन में नगर पालिका के माध्यम से एक स्टेडियम का नया निर्माण होना चाहिए। खरगोन का नया मास्टर प्लान बना है, उसमें चिन्हित कही गई खेल मैदान के लिए चिन्हित करी गई है ज़मीन। वो सरकार बनेगी वैसे ही उस ज़मीन का हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट कराएंगे, नगर पालिका से के माध्यम से उस खेल ग्राउंड को हम बनाएंगे। अभी खेल गतिविधियों को लेके पुरानी हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज का एक ग्राउंड है, और तीसरा हमारे पास स्टेडियम है, और चौथा विशेष रूप से हमारे पास DRP का एक ग्राउंड है। इन चारों ग्राउंड पे हम प्रयास करते हैं कि खेल गतिविधियाँ चले। खरगोन में पिछले हमने 5 वर्षों में देखा है कि महिला हॉकी को हमने बहुत बढ़ावा दिया है। जो अखिल भारतीय टूर्नामेंट इसी वर्ष हमने कराया है, और महिला हॉकी के रूप में देश भर की बच्चियाँ खरगोन खेलने आती है, और खरगोन में 60 से 65 बच्चियाँ हॉकी से जुड़ी है। ऐसे ही खरगोन में एक महिला फुटबॉल की टीम भी हमने तैयार करी है जो राष्ट्रीय स्तर तक गई है, और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन खरगोन में किया है। दूसरा, हम क्रिकेट के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से, हॉकी के माध्यम से और अन्य खेल गतिविधियों के माध्यम से समय समय पर खरगोन में आयोजन करते रहे। निश्चित एक प्रयास ये भी, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि एक बड़ा स्टेडियम टाइप ग्राउंड नगर पालिका का होना चाहिए, वो हम हमारी सरकार जैसी बनेगी उसकी भी व्यवस्था करेंगे और एक खरगोन को एक नई सौगात ग्राउंड के रूप में देंगे। भाजपा जो निरंतर ये कह रही कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत को जीत के भुलावे में है, दक्षिण भारत और हिंदी भाषी प्रदेश देश के जो हैं उनकी लोगों की सोच, राजनीतिक परिस्थितियाँ, उनकी आवश्यकताएं, इनमें काफ़ी अंतर है। लेकिन महंगाई जो एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक जो मुद्दा है, कृषकों की समस्या एक जो मुद्दा है, तो पूरे देश में एक जैसी है। तो इस स्थिति में भाजपा जो ये मान के चल रही है कि कर्नाटक की जीत जो है सिर्फ एक कांग्रेस के लिए भुलावा है, ये कहाँ तक सही है? देखो, कर्नाटक की जनता बहुत जागरूक थी, उन्होंने समय रहते जाग गए, उन्होंने इनका परिवर्तन कर दिया। कर्नाटक अगर ये भुलावा बताते हैं तो कर्नाटक के साथ साथ 200 सीटों पे उपचुनाव देश भर के अन्य राज्यों में हुए, हिमाचल भी एक है, ठीक है, उसमें कई जगह हुए। उपचुनाव में बता रहा हूँ, हिमाचल में तो कुछ दिनों पहले चुनाव हो गया था, सरकार हिमाचल में भी भाजपा की सरकार थी, JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के वहाँ के थे, उनका वहाँ सफाया करा, कर्नाटक में करा, और कर्नाटक चुनाव के साथ 200 सीटों पे उपचुनाव हुए देश के अन्य राज्यों में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली, तो फिर कैसे भुलावा है? दूसरी बात, भाजपा हिंदी पट्टी की बात करती है, हिंदी राज्यों की बात करती है, भाजपा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 20 साल की इनकी सरकार में इन्होंने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा, विशेषकर किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। मेरे को बताओ, एम्स नेहरू जी के ज़माने में बने, IIT नेहरू जी के ज़माने, इनने कौन से IIT देश को नया दिया, कौन से एम्स नए दिए, देश के नौजवानों को कौन से रोज़गार के अवसर दिए? इनका वादा था 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को हर साल नौकरी देंगे। इनने मेरे को खरगोन शहर में केवल 20 नाम बता दें कि हमने 9 साल में इन 20 लोगों को केंद्र सरकार के माध्यम से रोजगार, एक नाम नहीं बता सकते साहब, 20 तो दूर की बात, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का झूठा वादा जनता समझ चुकी है, हिमाचल में समझ गई थी, हिमाचल में परिवर्तन कर दिया, कर्नाटक में चुनाव आए, कर्नाटक में परिवर्तन कर दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वो इनको परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर कर देगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि किसान को कांग्रेस ही मजबूत कर सकती, बेरोजगारों को
रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में इसलिए रिपीट हो गई कि उन्होंने किसान की बात करी, बेरोजगार की बात करी, महिलाओं की बात करी और प्रदेश में विकास की गंगा बहाई। ऐसे ही राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करा, 25 लाख रुपये तक का इलाज वहाँ की जनता को फ्री है, 500 रुपये में गैस टंकी वो दे रहे हैं, वहाँ जनता वापिस उनको रिपीट करेगी। और यही चीज़ें मध्य प्रदेश में 18-19 साल से राज करने वाले शिवराज सिंह को यहाँ की प्रदेश की जनता परिवर्तन करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। लेकिन भाजपा का तो ये मानना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी नड्डा का बड़वानी में आगमन हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद खरगोन में कांग्रेस से 6 सीटें छीनने के लिए रात्रि विश्राम तक यहाँ करेंगे, काफ़ी रणनीति तैयार हो रही है कि इन 6 सीटों पर एक बार फिर से भाजपा का कब्जा हो, और भाजपा में ये चर्चा भी है कि कांग्रेस तो अब गई। कांग्रेस गई कहाँ गई, सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस गई गई नहीं, कांग्रेस सरकार बनाने तो मुख्यमंत्री के यहाँ आने से रात्रि विश्राम से कोई फायदा भाजपा को? मुख्यमंत्री जी रोज रात्रि विश्राम करे कौन रोक रहा है, वो तो प्रदेश के मुखिया है, वो भोपाल छोड़ के खरगोन भी रह सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। और उनके रात रुकने से यहाँ भाजपा पनप जाएगी ऐसा नहीं, भाजपा में गुटबाजी बहुत बड़े पैमाने पे है। यहाँ 2 दर्जन से अधिक भाजपा के लोग भाजपा का टिकट चाहते हैं, जिस एक को टिकट मिलेगा 23 लोग उसके पीछे लट लेके दौड़ेंगे। आप खुद देखने वाले हैं, देखते रहना 23 लोग कैसे इनके पीछे दौड़ते हैं, क्या हाल करते हैं भाजपा के उम्मीदवारों का। ये खरगोन नहीं, पूरी जिले की 6 सीटों पे यही हाल होंगे। वो कांग्रेस से गए भाग के सचिन बिरला जी बड़वा में जब वो भाजपा के उम्मीदवार होंगे तो कई भाजपा ही उनका ही काला मुंह कर देंगे, ठीक है, यह स्थिति होगी। भाजपा की 1 भी सीट निमाड़ अंचल में, मैं तो खरगोन की 6 के 6 7, बड़वानी की 4, खंडवा बुरहानपुर चारों जिलों में भाजपा 1 सीट भी नहीं जीत सकती। रही बात मुख्यमंत्री जी कितनी भी रात रुक ले कोई असर नहीं, जनता ने दिमाग बना लिया है। खरगोन जिले की 6 की 6 सीट, बड़वानी की 4 की 4, बुरहानपुर की 2 की 2, ऐसे ही खंडवा की 4 की 4, ये 16 सीटें कांग्रेस की निमाड़ बेल्ट की पूरी कांग्रेस की झोली में जाएगी। मुख्यमंत्री जी बड़वानी रात रुके, नड्डा जी खरगोन रुके और खंडवा रुके, बुरहानपुर रुके, कहीं रात रुकने से अब इनका कोई परिवर्तन नहीं। कुल मिला के आपने ये सोच लिया कि जो भाजपा की गुटबाजी है ये कांग्रेस की जीत का कारण बनेगी? नहीं, लेकिन रवि जी आप एक तरह से कहा ये जा रहा है कि खरगोन विधानसभा सीट से इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार रवि जोशी ही होंगे, लेकिन कुछ कांग्रेस कर्नाटक की जीत को देखे कुछ कांग्रेसियों ने भी मन बनाया है कि वो इस बार टिकट की मांग करें और खरगोन सीट से लड़ें, तो आपके लिए एक कशमकश भरा टिकट का जो है? टिकट विकेट का कोई कसमकस नहीं, मैं तो कहता हूँ जो काम करे उसको टिकट पार्टी ने देना चाहिए। मैं तो स्वयं मेरी साथ कंधे से कंधा मिला के जब कोई कार्यकर्ता मेरे से आगे निकल के काम करेगा निश्चित मैं उस दिन कह दूंगा कि इसको टिकट दिया जाए। वो कोई लफड़ा कांग्रेस पार्टी में किसी भी सीट पर कहीं लफड़ा है नहीं, जो काम कर रहे हैं उनको टिकट मिलेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी से, प्रदेश की जनता ने ही परिवर्तन का मन बनाया है, परिवर्तन होगा निश्चित, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की गुटबाजी की आहुति जरूर होगी ये निश्चित मानना, क्योंकि जब सत्ता अधिक समय रह जाती है तो गुटबाजी आ जाती है। भाजपा का कांग्रेसीकरण भी कुछ हुआ है, कुछ कांग्रेसी एक दो हमारे साथी सचिन बिरला जी, सुमित्रा काजदेकर, नारायण पटेल, जब ये लोग चले गए तो भाजपा का मूल पहले से 9 सीटों का जो कार्यकर्ता वो कहाँ जाएगा, वो दुखी हो गया है, वो इनको निपटाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ निमाड़ की 16 की 16 सीट 4 जिले की, इसके आगे जब हम अलीराजपुर और कुक्षी और इस बेल्ट इसको भी निमाड़ कहा जाता है यहाँ जाएंगे तो सारी सीटें कांग्रेस की झोली में होंगी। विधायक जी आपने दावा किया कि निमाड़ में भाजपा का एकदम सफाया होगा, और आपने ये भी बहुत अच्छी साफगोई से बात कही कि टिकट उसी को मिलना चाहिए पार्टी का जो काम करता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका और जो विधायक है उनका काम दिख रहा है, उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी आपने जिस प्रकार से कार्य किया ये क्षेत्र की जनता भी जानती है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो रवि जोशी मिनिस्ट्री में शामिल हो सकते हैं। देखो हमारा पहला मकसद चुनाव जीतना और कांग्रेस की सरकार बनाना है, दो काम हो जाने के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो अधिकार मुख्यमंत्री जी का होता है, जो भी सीनियर लोग होते हैं उनको मुख्यमंत्री जी अवसर देते हैं। हम कारण इसलिए बोल रहे हैं कि रवि जोशी खुद तो चुनाव लड़ते हैं लेकिन एक विधायक होते हुए वो
एक किंग मेकर की तरह निमाड़ क्षेत्र में कई विधायकों को चुनाव लड़ाते और जितवाते भी है, तो इस स्थिति में आपका आपका ये वहाँ अधिकार बनता है? ये तो पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कई सीटों पे वो हमसे राय लेती है, कई जगह पूरे ज़िले में छात्र राजनीति के बाद यूथ कांग्रेस की राजनीति करी, संपूर्ण निमार खरगोन बड़वानी दोनों जिले जब एक थे, जब 10 सीट होती थी, सब जगह कार्यकर्ता उस दौर के साथी लोग हैं, तो उसका प्रभाव है उस समय का। अभी भी कई साथियों को चुनाव लड़ने में वो लोग मदद करते हैं, ताकत देते हैं और हम चुनाव जीतते हैं। तो जब भी अवसर आएगा निमाड़ खूब आगे बढ़ेगा, निमाड़ के कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, इसके लिए प्रयास करेंगे। चलिए रवि जी, इस सवाल के साथ हम कार्यक्रम को बॉन्ड करते हैं कि आपने अभी जितनी भी जनता से इस कार्यक्रम के अंतर्गत बातें कही, आपने हम कहेंगे वादे किए, आपने कहा वो वचन है, तो हम जनता से इस कार्यक्रम के अंत में ये बात कह दें कि आपके विधायक यहाँ वचन दे के जा रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही है वो आने वाले कार्यकाल में उसको पूरा करके बताएंगे। मैं आपके माध्यम से निमाड़ की जनता को ये वचन देता हूँ कि जो जो काम के वचन हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी और मैं, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ जो वचन दे रहा हूँ, ये काम तो करेंगे, लेकिन 5 वर्ष में प्रतिदिन 365 दिन तक, 1 वर्ष में महीने के 31 दिन, सप्ताह के 7 दिन और 1 दिन के 24 घंटे हम वचन देते हैं कि आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि एक एक काम, जो वचन नहीं दिया वो काम भी लेके अगर जनता आएगी तो वो सब तमाम काम करेंगे, निमाड़ की प्रगति के लिए, बेरोजगार साथियों को रोजगार के अवसर मिले, माता बहनों को उनकी सुरक्षा मिले, वृद्धों को उनका सम्मान मिले, किसानों को उनका कर्जा माफ़ हो और उनकी खेती के लिए नर्मदा जी का जल मिले, ऐसे वचनों के साथ आगे बढ़ने की कल्पना लेके आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा के साथ धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि किसान, युवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में वो कुछ वचन लेकर आगे बढ़ रही है और उन अपने कार्यकाल में वो वचन पूरे भी करेगी 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो, उसी के विरोध में, उसी के सामने कुछ संकल्प लेकर भाजपा भी आ रही है, लेकिन 2023 में किसकी सरकार बनती है ये मतदाता तय करेंगे, और सरकार बनने के बाद क्या वो पार्टियां इन वचनों को, इन संकल्पों को पूरा करती है ये भी हम देखेंगे, और आने वाले कार्यक्रमों में हम खरगोन के विधायक रवि जोशी जी से उनके वचनों के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी 2023 में। तब तक हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। विधायक जी, आज आप कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेता